हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिज़ाइनर फंदे डालेंगे। डिज़ाइनर फंदे डालने के लिए हमें जितना फंदा डालना हो उसके हिसाब से हम ऊन ले लेंगे, और जितना ऊन हम लेते हैं फंदों के लिए उससे हमें ज़्यादा ऊन लेना है। इसे हम तिहरा कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब हम इस फंदे में से ऐसे ऊन निकाल लेंगे और एक बार और ऊन निकाल कर इसे हम कस देंगे। ये गांठ लग गई है जिससे हमारे फंदे सरकेंगे नहीं। अब ये जो सिंगल ऊन है इसे हम उंगली में लपेट लेंगे ऐसे, और ये जो तिहरा ऊन है इसे हम दो उंगलियों के बीच में ऐसे फंसा लेंगे। हमें अंगूठे से फंदे को डालना है, अंगूठे को हमें अंदर से ऐसे बाहर की तरफ निकालना है, और ये जो ऊन है इसमें से हम सिलाई को डालकर ये सिंगल वाले ऊन को ऐसे डालकर ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए, ये एक फंदा पड़ गया। फिर हम इस तरह से ऊन को लेंगे, थोड़ा हमें फंदा ढीला डालना है ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से हमें आठ फंदे डालने हैं। हमने ये चार फंदे डाले हैं, ये हमारा गांठ वाला फंदा है जिसे हमें गिनना नहीं है। अभी चार फंदे डालिए फिर से, पांच, छः, सात और ये आठ। ये हमने आठ फंदे ले लिए हैं। अब ये जो सिंगल ऊन है इससे हमें एक फंदा इस तरह से डालना है, इसे हम खींच के रखेंगे और इन बाकी आठ फंदों को इस पर हम उतार देंगे ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ फंदे। ये आठ उतर गए हैं। ये हमारा गांठ वाला फंदा है, इसे हमें ऐसे ही रखना है। अब हमें तीन फंदे डालने हैं। इसे टाइट डालना है, जो तीन फंदे हम डालेंगे वो टाइट डालें, एक, दो और ये तीन। ये तीन फंदे हो गए। इसके बाद फिर हमें आठ फंदे थोड़े ढीले डालने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ के बाद फिर हमें एक फंदा सिंगल ऊन से डालना है और आठों फंदों को हमें इस पर उतार देना है। पाँच, छः, सात, आठ। आठ के बाद फिर हमें तीन फंदे टाइट डालने हैं। सिंगल उनको उंगली में लपेट लेंगे इस तरह से, एक, दो और तीन। फिर हम आठ फंदे डालेंगे और फिर फंदों को उतार लेंगे। ये देखिए, ये मैंने फंदे डाल लिए हैं और फंदे डालने के बाद दो सिलाई बुन भी ली है। ये जिग जैग, जब आपको फ्रिल बनानी हो फ्रॉक में, स्कर्ट बनाना हो या जैकेट का बॉर्डर बनाना हो तो उसमें आप ये फंदे डालिए। फंदे बेहद सुंदर लगते हैं और मैंने करीब
30 सेंटीमीटर हगा लिया था, ऊन का लंबाई में ऊन लिया था 30 सेंटीमीटर का, जिसमें मैंने ये 15 फंदे डाले हैं। आप इसी हिसाब से कि अगर 30 सेंटीमीटर में 15 फंदे हो रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर अगर आप ऊन लेंगी तो उसमें आपके 30 फंदे हो जाएंगे। इसे आप बनाइए, अपने बच्चों के स्वेटर में डालिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।